एक बार एक आदमी एक रेस्टोरेंट पर नौकरी करने के लिए एक इंटरव्यू पर जाता है, लेकिन उसको वहाँ से होमलेस पीपल वर्कर जाने के लिए कहते हैं, लेकिन वो ओनर से मिलना चाहता था। फिर ओनर आता है और बोलता है यहाँ पर होमलेस पीपल के लिए जगह नहीं है। फिर वो उस ओनर को डॉक्यूमेंट दिखाता है, कहता है कि मुझे रख लो, लेकिन वो ओनर होमलेस पीपल को रखना नहीं चाहता था। इसी वजह से उस डॉक्यूमेंट को वो फाड़ देता है और उस होमलेस पीपल को वहाँ से भगड़ देता है। वो आदमी रेस्टोरेंट से निकल कर बाहर जा ही रहा था कि एक होटल वाला बोलता है कि आप मेरे ही यहाँ काम कर लो। फिर उसे उसकी कपड़े दे देता है, वहाँ वो काम करने लगता है और अच्छी तरह से काम करने लगता है। और देखते ही देखते वहाँ पर बहुत सारे कस्टमर आने लगते हैं और दिन ब दिन उसका व्यापार ज्यादा तेजी से बढ़ने लगता है, बल्कि वहाँ पर न्यूज वाले भी आ जाते हैं। इतना बढ़ता देख वो रेस्टोरेंट का मालिक आ जाता है और बोलता है कि आप मेरे वहाँ काम कर लो और मैं आपको बहुत तनख्वाह दूंगा, लेकिन वो उस आदमी उसको मना कर देता है। तो आप इस कहानी में क्या सीखे जरूर कमेंट करके बताना।